आपको बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को लगने वाला है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ज्योतिष की माने तो इस बार होने वाले इस पहले चंद्र ग्रहण पर एक महासंयोग बनने जा रहा है और कहा जाता है कि ग्रहण के समय कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दौरान आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनका लाभ आपको जरूर मिलेगा। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 सोमवार को लगने वाला है। ये 2019 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो पौष पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। 21 जनवरी 2019 के चंद्र ग्रहण का सूतक 20 जनवरी 2019 की रात्रि 11:07 से शुरू होगा और ग्रहण का शुरुआत सुबह 8:07 पर होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लगता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आकाश की वो आकर्षक खगोलीय घटनाएं हैं जिन्हें हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहण मात्र एक आकाशीय परिवर्तन है, जबकि धार्मिक रूप से इसे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही खास माना गया है। आपने ज्यादातर ये सुना होगा कि इस दौरान आपको कई सारे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस दौरान कौन से उपाय करेंगे जिससे कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। दरअसल आपको बता दें कि अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय करते हैं तो जीवन भर के लिए खुशियां आपकी झोली में आ जाएंगी। तो आइए जानें ग्रहण काल में कौन कौन से उपाय करने चाहिए। पहला, सबसे पहले तो आपको बताते चले कि इस बार का चंद्र ग्रहण बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण के दिन महासंयोग बन रहा है। इस दिन आप हो सके तो मीठी चीजों का दान करें, ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दूसरा, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि चंद्र ग्रहण के दिन आप चाहे तो किसी भी तीर्थ स्थान या नदी में जाकर स्नान करने से और इसके साथ ही तिल से बनी मिठाई को गरीबों में दान करने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तीसरा, वहीं ये भी बता दें कि इस दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर गाय के घी का दान करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान आपको अपने इष्ट देव का ध्यान रखकर उसके मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए, ऐसा करने से आपको आदित्य फल प्राप्त होता है। चौथा, ग्रहण के दौरान आप अगर पक्षियों या जानवरों को अन्य भोजन जरूरतमंदों को कपड़े दान करने से आपको महापुण्य दान प्राप्त होता है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से विनित राय की रिपोर्ट।